ज्ञान के इस बंधन से हम बाप तक पहुंच पाए। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो, सदा शुभ भावनाओं से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है, इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है और यही सच्चा जीवन है। बाबा हमें एक मतलब पहले तो कहते हैं कि वैसे बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो, तीन बात बोल रहे हैं, और सोचना भी है तो शुभ भावनाओं से सोचो और शुभ बोलो, और अगर वैसे सुनना भी पड़ रहा है तो बाबा कहते हैं कि शुभ भाव से सुनो और शुभ चिंतन से उस व्यर्थ के भाव को बदल दो। अब यहाँ पर बाबा हमें बता रहे हैं कि इसके लिए परिवर्तन करने के लिए भी सच्चे मर्जीवा भव। मर्जीवा अर्थात हम सबको बाबा बताते हैं कि इस संसार से मर जाना, इस कलयुग से मर जाना। हम आत्माएं जब बाबा के ज्ञान में आ गए तो हमारा एक नया जन्म हो गया, ईश्वरीय कुल में आए, ब्राह्मण जन्म मिला, ब्रह्मा कुमार हम कुमारी बन गए, तो अभी हमारा एक नया जन्म है, इसको ही कहते हैं हम मर जीवा जन्म। लेकिन है तो कलियुग के संसार में, कलियुग के वातावरण में है, तो ऐसे समय पर जिस समय पर रावण का राज्य है, चारों ओर विषय विकार फैले हुए हैं, हर एक मनुष्य आत्मा उसके अधीन है, तो ऐसे रावण के राज्य से तो हम मर गए हैं, लेकिन है तो अभी वर्तमान में उसके ही राज्य में। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बातें तो आएगी ही, व्यर्थ बातें हमारे पास आएगी ही, लेकिन वो बातें जब कानों पर आती हैं हमारे, तो जब सुनना भी है तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन करके, और सुनना ही है तो शुभ चिंतक बनकर सुनो, क्योंकि बहुत बार ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं, ऐसे अवस्था में हम होते हैं कि बहुत सारी आत्माएं कुछ भी हो उनके जीवन में वो हमें सुनाती हैं, हमें लगता है कि ये मुझे क्यों सुनाती है, इसने मुझे नहीं सुनाना चाहिए, मुझे व्यर्थ नहीं सुनना है और मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। बात तो सही है, हम ब्राह्मण आत्माओं को व्यर्थ में नहीं जाना है, व्यर्थ सुनना भी नहीं है, व्यर्थ सोचना भी नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग सोचे कि अगर कोई बीमार है तो कहा जाएगा, किसी को कुछ बीमारी हुई है तो वो डॉक्टर के पास ही तो जाएगा, डॉक्टर कहे कि मुझे बीमार को देखना ही नहीं है तो फिर बेचारे बीमार व्यक्ति ने, मरीज व्यक्ति ने करना क्या। वैसे बातें ये सारी जो लोगों के जीवन में जो दुख वो अनुभव कर रहे हैं, जो बातें उनके पास आ रही है, ये बातें वो डालेंगे कहाँ पर, इनको ऐसा कोई स्थान तो चाहिए। लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति तो
पत्थर की होती है, चाहे वो जो भी धातु की भी हो, अपने मन के सारे भाव वो उस मूर्ति के सामने रख देते हैं। वे जितनी भी मतलब बातें हैं वो उस मूर्ति को सुना देते हैं। उसके भाव ये होता है कि इसको सुनाने से मैं हल्का हो जाऊंगा या हल्का हो जाऊंगे, मेरे जीवन की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत बार इसलिए भी बताते हैं मंदिर में वो उस मूर्ति के सामने, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास बताने से ये बातें और कहीं नहीं जाएगी, वो मूर्ति और किसी को थोड़ी ना बता सकती है। इससे अपनी सारी बातें, जो भी गुस्सा हो, जो भी जीवन में गलतियां हुई हो, किसी के लिए कोई नफरत हो, ईर्ष्या हो, जीवन में कोई प्राप्त करने की कामना हो, कुछ भी जो होता है वो सब उस मूर्ति के सामने वो सुना देते हैं और फिर निकल जाते हैं। अब उस मूर्ति क्या करेगी, उसका वो तो मूर्ति है। हम गंगा में जाते हैं, गंगा सागर के पास में जब कुंभ का मेला लगता है या फिर गंगा के पास में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें किसी की अस्थि को डाल देते हैं, कोई शरीर छोड़ा उसकी राख को वहां पर विसर्जित कर देते हैं। तो गंगा को एक प्रकार से देखते हैं कि गंगा शुद्ध बनाने वाली है, इसलिए उसमें बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं। मतलब किसी की अस्थियां, किसी कभी तो पूरा शरीर ही गंगा में बहा देते हैं, सोचते हैं गंगा में बहाने से, गंगा में डालने से ये पावन हो जाएगा। सो अब गंगा का पानी जो है वो तो उससे अशुद्ध हो रहा है, लेकिन गंगा ये सारा जल सागर के पास जाकर दे देती है, तो ये सारी चीजें सागर में चली जाती हैं। लोग सोचते कि गंगा सागर के पास देगी, गंगा पतित पावनी है, तो सोचते हैं कि पावन हो गए। तो बाबा भी यही कहते हैं हमें कि संसार की जो व्यर्थ की बातें हैं, हम कलयुग संसार में हैं, हमारे सामने आएंगी ही। लोग व्यर्थ बोल बोलेंगे, व्यर्थ बातें हमें सुनाएंगे ही, क्योंकि वर्तमान समय में हर एक मनुष्य आत्मा व्यर्थ से परेशान है। सभी को अगर सभी का मन का स्कैन ले, अगर बुद्धि में बुद्धि का उनका स्कैनिंग अगर करे ना, तो सभी लोग कुछ ना कुछ हद तक के मानसिक रोगी हैं। तो ये लोग जो है जिनके जीवन में इतना सारा जो व्यर्थ है, उनको सुनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जो भी बातें हो वैसे ही नहीं होंगी, लेकिन कोई समस्याएं भी उनके जीवन में होंगी, तो उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनको सुने और सही तरह से सुने। आज तो ऐसे होता है कि जब कोई बात हम सुनते हैं, लौकिक में हम देखते हैं लोगों को, तो वो सुनते सुनते ये आत्मा भी उसकी भावनाओं में आ जाती है, अर्थात सुनाने वाले की भावनाओं में आ जाती है। और सुनाने वाला जो सुना रहा है, जिसके लिए सुना रहा है, चाहे वो प्रकृति के लिए, चाहे वो कोई व्यक्ति के लिए, चाहे कोई सत्ता के लिए, जिसके लिए भी सुना रहा है, तो ये सुनाने वाले के भाव में सुनने वाला आ जाता है और उस सुनने वाले की भी वृत्तियां, उसके भाव, स्वभाव, संस्कार बदलते जाते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल ही देखें, अगर आज के पॉलिटिक्स का उदाहरण ले लें, जब कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, किसी एक पार्टी की कमियां, कमजोरियां, उसके लीडर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से उसकी नकारात्मक बातों को सामने वाले के पास रखता है, तो वो सामने वाले की भी भावनाएं बदल जाती हैं, उसको भी उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के नेताओं के लिए, उनकी नीतियों के लिए बहुत गुस्सा मन में पैदा हो जाता है। सो ये व्यक्ति ने भी उसके भाव को बदल दिया। और आज देखें, यही तो सब कुछ एक दूसरे को बताते रहते हैं, ये व्यर्थ हर एक के पास में है और इस व्यर्थ का बहुत सारा बोझ है। इस व्यर्थ से हर आत्मा मुक्त होना चाहती है, लेकिन ये व्यर्थ डाले कहाँ, इसको परिवर्तन कौन करे,
आजकल है ना डंपिंग जो ग्राउंड होते हैं जहाँ पे सारा कचरा डालते हैं, वहाँ पर अभी एक मशीन लोग डाल रहे हैं जो वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करें, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें। आजकल वेस्ट को बेस्ट बनाने की मशीन आ गई है, लेकिन संसार की आत्माओं के जो वेस्ट विचार है, वेस्ट गोल है, उनकी जो वृत्तियां है, उनको परिवर्तन करने वाली मशीन कौन होगी? तो वो परिवर्तन करने का कार्य ये बाबा ने हम बच्चों को दिया है। इसलिए बाबा को पता है कि दुनिया का व्यर्थ बच्चों के पास में पहुंचना है, और सिर्फ दुनिया का ही नहीं, हम जिस अलौकिक परिवार में है उस अलौकिक परिवार में भी लोगों की समस्याएं, अलौकिक परिवार की भी व्यर्थ बातें मनुष्य मतलब बाबा के बच्चों के पास पहुंचनी है। लेकिन व्यर्थ को सुनते 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 एक ही व्यक्ति का विषय में हम बार बार सुनते 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 हमारे भी अगर भाव उसके जैसे बन गए तो हम फिर संगम युग से निकल फिर कलयुग में चले गए, अर्थात मर्ज व जन्म से हम फिर से कलयुग में जिंदा हो गए, और फिर कलयुग की आत्माओं के समान हम सोचने लगे, और फिर वही भाव भावनाएं वही वृत्ति वही दृष्टि उस आत्मा के लिए बन गई जिसके बारे में हम सुन रहे थे। बाबा कहते व्यर्थ को सुनना भी है तो पहले तो मर्जीवा बनो। मर्जीवा अर्थात इस संसार के सारे जो भाव भावनाएं हैं, अर्थात जो नकारात्मक भाव भावनाएं हैं, जो कहीं ईर्ष्या कहीं घृणा कहीं द्वेष कहीं कंपैरिजन, किसी को ऊंच किसी को नीच, किसी को अवगुण के आधार से देखना, किसी को उसके व्यवहार के भाव के स्वभाव के आधार से देखना, उसने जीवन में की हुई गलतियों के आधार से देखना, उसके वर्तमान धन के मामले में, उनके पारिवारिक जो उसकी अवस्था है उसके आधार से देखना, ये सर्व जो कलियुग की भाव भावनाएं हैं जो मनुष्य आत्माओं को व्यर्थ की तरफ लेकर जाती हैं, इन सर्व भाव भावनाओं से मर जाना है और अपनी दृष्टि में एक समानता लानी है। जैसे कोई मर जाता है उसकी आंखें देखो कितनी स्थिर होती है, जो मर जाता है ना उसकी आंखों के जो भाव है बिल्कुल स्थिर है, चाहे वो कोई व्यक्ति सुंदर उसके सामने जाए, अब उसकी आंखों में तो वो स्थिरता आ गई है क्योंकि चैतन्यता निकल गई, आत्मा यहाँ इस शरीर से निकल गई है। तो कोई भी उस मुर्दे के सामने कहे या फिर मरे हुए व्यक्ति की आंखों के सामने जाए तो उसकी आंखों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना लोग रोते हैं उसके पास बैठ कर, कितनी बातें उससे कहते हैं, लेकिन वो स्थिर सुस्थिर है उसकी आंखें। मर्जी वार्ता जो स्थिर है, ये जो कलयुग की जो भाव भावनाएं हैं, जो नकारात्मक जो मनुष्य आत्माओं को नकारात्मक भाव भावनाओं को मतलब उसमें लेकर जाता है, ऐसी बातें कि हम मर्जीवा बन गए हैं। अब जो मर्जीवा आत्मा है ना उसी आत्मा ने ये सुनना चाहिए व्यर्थ की बातें, अगर नहीं अगर ताकत ना तो बिल्कुल नहीं सुने, बोल दे कि भाई मैं वो सक्षम डॉक्टर नहीं हूँ सुनने के लिए, आपकी बातें नहीं बता पाऊंगा मैं, आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको एक्सपर्ट के पास भेज रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और वो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता और फिर कहेगा कि आइए आइए मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, मतलब पता है कि मैं इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी उसका इलाज करना शुरू कर दे और इलाज गड़बड़ हो गया तो काम ही खराब हो जाएगा, पेशेंट ही खराब हो जाएगा, उसकी प्रकृति और बिगड़ जाएगी। क्योंकि योग्यता न होते हुए भी उस बात को किया। इसी प्रकार हम बाबा के बच्चे भी रूहानी सर्जन हैं, मास्टर रूहानी सर्जन हैं। हमारे पास भी अलग अलग पेशेंट आते हैं और सबसे ज्यादा तो पेशेंट इस व्यर्थ को लेकर ही आते हैं, और हमारे में अगर वो योग्यता नहीं है उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की, अगर हम मर्जीवा नहीं हुए हैं, अर्थात अपने जीवन का व्यर्थ ही हमने अगर समाप्त नहीं किया हुआ होगा, तो व्यर्थ जब व्यर्थ से कनेक्ट हो जाएगा तो महाव्यर्थ तैयार हो जाएगा।
मेरे ही मन में कोई आत्मा के लिए कोई नकारात्मक भाव भावनाएं, उसके व्यवहार, उसने किए हुए कर्म, उसने मेरे साथ किया हुआ व्यवहार, ये अगर नकारात्मक रूप में अभी भी व्यर्थ के रूप में मेरे अंदर समाया हुआ होगा तो मैं संसार की आत्माओं का व्यर्थ कैसे खत्म कर सकता हूँ। जब वो आत्मा उस बात को मुझे सुनाती है, उसके जीवन में जो आई हुई बात है उसको, तो उस समय मैं अपने जीवन को भी कनेक्ट करता हूँ मेरे साथ हुए हुए एक्सपीरियंस से, और फिर मैंने जो भी किया हुआ होगा फिर उसके आधार से हम उसको सलाह देते हैं। किसी की भी बात जब हमारे जीवन में आती है, सुनने में आती है, तो पहले हम अपने जीवन के साथ उसको कंपेयर करते हैं और जो मैंने किया होगा वो उसको बताते हैं कि देखो मेरे भी जीवन में आई थी, मैंने ऐसे ऐसे किया था। अब जिस रीति से मैंने उस व्यर्थ को अपने जीवन में कन्वर्ट किया हुआ होगा ना, उसी रीति से मैं सामने वाले को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करो। और अगर वो मेरे मन के अंदर वो बातें जो मेरे जीवन में घटित हो गई वो नकारात्मक रूप में समाई हुई होगी, व्यर्थ रूप में अभी भी वो पड़ी हुई होगी, और फिर अपने आप को एक थोड़ा सा कहते होंगे कैसे कैसे भूल सकते हैं यार, बहुत बड़ी गलतियां की हैं उन्होंने, मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं आज जो हूँ मैंने बहुत सहन किया है और उस आत्मा ने तो बहुत मेरे को तकलीफ दी है, मैं नहीं भूल सकती इतनी जल्दी है। और नहीं भूलना चाहिए इंसान ने, उपकार भी नहीं भूलना चाहिए, तो इन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, फिर ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाना चाहिए। और जब तक सबक नहीं सिखाएंगे ना ये लोग सुधरेंगे नहीं, तो ये मेरी मान्यता हो गई। अर्थात सबक सिखाने का जो कार्य है ये कलयुग के लोगों का है, अर्थात मैं वापस जिंदा हो गया, मैं कलयुग में आ गया। अब ऐसी ही कोई जीवन में किसी की घटना हो गई और वो मेरे कान हमारे जीवन में आती है और हमको डराती है, फिर तो ये व्यर्थ सुनने के लिए उतनी तैयारी चाहिए, और वो तैयारी है मर्जीवाह बनना, अर्थात इन कलयुग की भाव भावनाएं जो ईर्ष्या घृणा द्वेष नफरत बदला तिरस्कार इन सर्व प्रकार की भावनाओं से भरी हुई है, इन संसार से हम मर गए हैं, अब हमारे लिए वो स्थिरता आ गई आंखों में, जो सुनने वाला मतलब जिसके बारे में सुना जा रहा है ना, उसके लिए कोई पूर्व मतलब मैं पूर्व भाव उत्पन्न कर रहा हूँ, जो सुना रहा है ना उसके लिए कोई शुभ मतलब ऐसा कोई और भाव है, शुभ भाव दोनों के लिए है, समानता है, स्थिरता है बुद्धि में, मैं सुन रहा हूँ। और सुनते सुनते जैसे एक डॉक्टर होता है जो एक्सपर्ट होता है, उसकी एक विशेषता ये है कि कोई आत्मा एक बीमारी के लिए उसके पास गई तो उस बीमारी को इतनी अच्छी तरह से ठीक कर देता है वो डॉक्टर कि फिर वापस जब वो पेशेंट आएगा तो उस बीमारी के लिए नहीं आएगा, किसी और बीमारी के लिए आ सकता है लेकिन यही बीमारी लेकर नहीं आएगा फिर वो वापस, इतना अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट करता है। एक ही डॉक्टर के पास एक ही बीमारी के लिए मतलब वही चीज के लिए और बार बार जा रहा है, तो ना वो डॉक्टर ठीक है और ये जो बार बार जा रहा है ना ये भी बेवकूफ है, क्यों? क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है, वो तो ठीक कर ही नहीं पा रहा है, तो मैं तो सर डॉक्टर तो चेंज करूं, लेकिन होता ये है कि लगाव हो जाता है, हाँ मेरी बातों को सुनती है, अच्छे से सुनती है, मुझे समझती है, और यही एक व्यक्ति है जो मुझे अच्छी तरह से समझ पाता है जो वो वैसे सुनाने वाला है ना, मतलब जो सुन रही है आत्मा इसके हाजी में हाजी मिल लाती है, तो ये जो सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है, यही तो एक है मेरे को समझ पा रही है, और ये की बीमारी को साल उस साल फिर लेकर चलते हैं, तो वह बातें सुनते सुनते ये जो सुनने वाला कब खुद बीमार हो जाता है समझ में ही नहीं आता, और वो भी व्यर्थ में चला जाता है, फिर उसकी भी भाव और भावनाएं बदल जाती हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ को भी सुनना है, क्योंकि आप गंगाएं हैं, आप रूहानी सर्जन हैं, आपके अंदर लोग व्यर्थ डालेंगे ही, चाहे वो कानों में डालेंगे, चाहे वो दृष्टि से डालेंगे, चाहे वो कर्म से डालेंगे, वो तो व्यर्थ तो डालेंगे ही, लेकिन उस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति हम आत्माओं में है, और उसके लिए बाबा कहते हैं मर जीवा बन जाए। और
क्या करना है। जैसे गंगा में सब कुछ बहाने से वो गंगा सागर में दे देती है, ऐसे जो भी व्यर्थ आए हमारे पास में हमने तुरंत अपने स्वभाव में आना है कि मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर परमात्मा हूँ अर्थात बाप समान आत्मा हूँ। बाबा को तुरंत इमर्ज करना और ये सारी बातें बाबा को दे देना और बाबा को कहना कि बाबा अब इस आत्मा को मैं क्या समझाऊं, इसके भाव को कैसे परिवर्तन करूं, क्योंकि जिस आत्मा के लिए बताया जा रहा है उस आत्मा का आपसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बता रही है वो तो आपके सामने है। तो इस आत्मा को इस रीति से परिवर्तन कर दें, उसके भाव को इस रीति से परिवर्तन कर दें कि वो जिस आत्मा के बारे में बता रही है अगली बार उस आत्मा के उसके जहन में कोई नकारात्मक भाव नहीं हो, ऐसा परिवर्तन कर दें, ऐसी शुभ चिंतक, ऐसी शुभ दृष्टि हमारी हो, ऐसे शुभ भाव हमारे हो कि उसके भाव परिवर्तन हो जाए, तो ये आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि जिसके बारे में बता जा रहा है, कभी कभी हम कहते हैं ना एक दूसरे को यार वो तेरे नजदीक है तो जाके उसको बोल कि तू ऐसा ऐसा कर, बोलते हैं हम एक दूसरे को, फिर हम एक बात बोल देते हैं सामने वाले को जाके, अरे यार वो क्या कह रहे हैं समझो तो सही, तुम ये ऐसा ऐसा करो ये जरूरी है, फिर चलो वो उस बात को कर लेता है। फिर ये आत्मा और आती है मेरे पास में, मुझे कहती है अरे यार देखो ना अभी ना वो तो वो कर रही है अच्छा सा, लेकिन अभी ये फालतू दूसरी बातें कर रही है, जाओ उसको वो बोलो कि ये ऐसा ना करे करके। अब हमको लगता है चलो ये हमसे बड़े हैं, हमारे अनुभवी है तो हमने थोड़ा सा सुनना है, तो फिर जाते हैं उस आत्मा के पास और उसको कहते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, फिर से वह आत्मा को परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। अब होता है कि जितना जितना हम वो सामने वाले को बता दे जाते हैं, ये जो हमको बताने वाला जो है वो और उसकी बातें बढ़ती जाती है, ये अनएंडिंग सिक्वेंस है, ये चलता रहता है। इसके बजाय जो बता रहा है उसके ही भाव को अगर परिवर्तन कर दिया तो फिर बताने वाले की दृष्टि ही परिवर्तन हो जाएगी, इसका ही चश्मा हमने बदल दिया, बातों को देखने का समझने का ये इसका चश्मा अगर हमने बदल दिया तो फिर बाद में ये आत्मा सामने वाले की कंप्लेंट लेकर हमारे पास आएगी ही नहीं, अर्थात हमने पेशेंट को ठीक कर दिया, नहीं तो पेशेंट बार बार हमारे पास आता जाएगा और फिर कब हम पेशेंट बन जाएंगे हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुनना भी है तो शुभ भाव से सुनो, शुभ भाव, और इतना श्रेष्ठ भाव इतना शुभ भाव हो कि जो सुनाने वाला है ना उसके प्रति सबसे पहले हमको रहम आए, क्योंकि जब वो कोई व्यर्थ बात सुना रहा है मतलब ही पेशेंट है, मतलब ही मरीज है, मतलब ही दुखी है, मतलब ही निराश है, उदास है, कंप्लेंट है उसको, अर्थात वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, न स्वयं से न सामने वाली आत्माओं से, इतना दर्द है उसके अंदर, तो सबसे पहले रहम उस आत्मा के लिए हमारे जहन में आना चाहिए और सुना और उसके भाव को परिवर्तन कर देना चाहिए। और भाव को परिवर्तन करने के लिए तो संपूर्ण ज्ञान हमें बाबा ने दिया हुआ है, हर आत्मा को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए हमको वो उसको बताना है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई आत्मा किसी को परिवर्तन करने के लिए हमें कहती है और बार बार कहती है, बार बार उसके व्यर्थ की बातें को या फिर उसके स्वभाव संस्कार को सुनाती है, क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? तो सबसे पहले सुनाने वाले को पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है इससे, अच्छा वो परिवर्तन हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो वो कहते कि अगर वो परिवर्तन हो जाए तो उसके ही जीवन में उसको प्राप्ति होगी, उसका ही जीवन अच्छा होगा, अच्छा चलो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर वो अगर अपना इस प्रकार का कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य को अगर समझते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब वो जो कुछ करे वो किस बात के लिए करे, आपको अच्छा लगने के लिए ही ना, मतलब जब तक के वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब तक के वो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ
तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मैं तब तक के असंतुष्ट हूँ। अच्छा, असंतुष्ट कब तक रहना है? कब तक रहना है? अच्छा, सामने वाला जीवन भर परिवर्तन नहीं हो जाए तो फिर क्या जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे? जीवन भर उस आत्मा के लिए मेरे अंदर कंप्लेंट रहेगी, फिर तो मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन का मेरा आनंद, मेरी खुशी मैंने अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि मेरा संपूर्ण जीवन उसके परिवर्तन के ऊपर डिपेंड हो गया। और मैंने तो कोई सर्टिफिकेट लेकर आया नहीं हूँ कि इतने साल मैंने जीना है। अगर कल शरीर छूट जाए तो ये असंतुष्टता का भाव, स्वभाव, संस्कार लेकर मैं इस संसार से जाऊंगा और फिर वहां पर ही जन्म लूंगा जहाँ सारे लोग असंतुष्ट है। ओहो। सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं, वहीं मैं जन्म लूंगा फिर, क्योंकि मेरा जैसा संस्कार होगा वही तो संसार मुझे मिलेगा। तो ये प्राप्ति अगर हो रही है मर जीवा जन्म के बाद में भी, बाबा का बनने के बाद में भी, तो फिर ऐसा जीवन क्या काम का? इसलिए किसी को परिवर्तन करने के लिए कहना भी ब्राह्मण आत्मा को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं किसी को परिवर्तन करने के लिए कह रहा हूँ किसी और को, अर्थात ही मेरी दृष्टि में कुछ ना कुछ कचरा चला गया है, मेरी आंखों में कोई कचरा है, मुझे पहले अपने आप को साफ करना है। और वो कचरा है अज्ञान का। हर आत्मा को देखने की जो नजर मेरी होनी चाहिए, जो ज्ञान की नजर से मुझे देखना चाहिए हर आत्मा को, हर आत्मा के कर्म को, वो नहीं देखते हुए अज्ञानता की नजर से, अर्थात उस कचरे में कचरा जाने की वजह से जैसे नजर धुंधली हो जाती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अज्ञान का कचरा जाने से मेरी नजर धुंधली हो गई है, मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और किसी और को कह रहा हूँ कि मेरी आंखों का कचरा निकालो। हाँ, कचरा निकालने का काम हमें करना है, क्योंकि एक बार उसकी आंखों से कचरा निकल जाएगा तो फिर उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और फिर वो आत्मा कंप्लेंट करना या फिर उसको परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना बंद कर देगी। अर्थात ये आत्मा फिर एक बार चेंज हो गई ना, फिर ये आत्मा अन्य आत्माओं को चेंज करेगी, अर्थात आपने उसको भी मास्टर रूहानी सर्जन बना दिया। और फिर एक एक करके 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 ये व्यर्थ खत्म होता जाएगा। हमने क्या कर दी? चेन ब्रेक कर दी। वो जो मेरे पास बार बार आ रहा था यहाँ, इसको ब्रेक कर दिया, रिटर्न में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे से आगे वो चेन बढ़ नहीं रही है, वो चेन को ब्रेक कर दिया। जैसे भी कोरोना की चेन को ब्रेक करने की प्रयास गवर्नमेंट कर रहा है ना, ऐसे ही इस चेन को भी, व्यर्थ के चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे संपूर्ण मर जीवा बन जाए और व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे, भाव को ही परिवर्तन कर दे, देखने की दृष्टि को ही परिवर्तन कर दे। कोई एक आत्मा मुझे कह रहे थे कि हमने पूछा, कोई ऐसी बहन ही थी और कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था और फिर कहीं और दूसरे सेंटर पर जाना पड़ा। हमने कहा कि आपको किसने लाया यहाँ पर? तो उसने कहा निमित्त ने छोड़ दिया मुझे यहाँ पर। अच्छा, तो बात क्या थी? निमित्त के लिए मन के अंदर कोई भाव तैयार हो गया, बराबर है ना? उनको मेरे जैसी क्यों लगेगी? मैं बात बात पर सत्य को बोलती हूँ ना, तो टोकने टोकने वाली उनको नहीं लगी, मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा, तो आपको उन्होंने छोड़ा यहाँ पर? बोले हाँ। फिर हमने पूछा उनको कि चलो ठीक है, आपको पता है जब बाबा साकार में थे तो साकार में बाबा बहनों की अदला बदली करते थे, इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे डालिया आई, सुटकेस रखी ही नहीं, तो बाबा कहते थे बेटा तुमको उधर जाना है, बच्चे तुमको इधर जाना है, और डालिया तुरंत अपने सुटकेस उठाकर तुरंत तैयार होकर वापस उसी सुटकेस से दूसरे सेंटर पर चली जाती थी, एक जगह नहीं रहती थी, ऐसा चक्कर चलाते रहते थे बाबा। तब बाबा साकार में थे इसलिए सारी आत्माएं उनका सुनती थी, क्योंकि बाबा है, साक्षात भगवान है हमारे सामने और ब्रह्मा बाबा भी है, तो वो बात सुनने में कोई ज्यादा हमको कठिन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही बाबा अव्यक्त हो गए तो हमको क्या लगा कि ये सारा सिस्टम बंद हो गया होगा,
और हमने सोच लिया फिर कि बाबा तो है नहीं अभी। अब ये है, मैंने हमने उनको कहा कि अब आपको क्या लगता है कि अभी बाप दादा है कि नहीं है? तो बोले है, पक्का निश्चय है कि बाप दादा है? पक्का? बोले हाँ बाबा तो है। तो फिर वो सिस्टम अभी बंद हुआ है या चल रहा है? अगर बाबा उस समय में कर रहा था तो क्या इस समय में भी जहां जिस आत्मा की जरूरत होगी वहां पर उसको भेज नहीं सकता? लेकिन भेजने की विधि अलग अलग है, हर आत्मा को एक ही विधि से नहीं भेजेगा। उसके स्वभाव संस्कार उसकी सारी बातों को देखते हुए उस आत्मा को वहां वहां भेजेगा, और इसके लिए निमित्त तो कुछ भी बात हो सकती है। तो ये सारी विधि है बाबा की अपने बच्चों को कहीं कहीं भेजने की, जहां उसकी जरूरत हो, जहां उसका उसकी डिनास्टी हो, जहां से जो जहां इस आत्मा की पुकार आत्माएं कर रही हैं इस इष्ट के, तो वहां इस आत्मा को भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? कोई ना कोई निमित्त बनेगा, कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा, और फिर हम कारण को देखते हैं, निमित्त को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के बाबा की योजना को नहीं देखते। इसलिए फिर हम कह देते हैं कि मुझे निमित्त ने यहाँ भेजा, और भूल गए कि बाबा है। तो फिर हमने कहा कि सही में बाबा है कि नहीं है? बोले हाँ है। अब बताओ इस आधार से कि आपको यहाँ पर किसने भेजा? तो बोले बाप दादा ने भेजा। अब वो आयु कि उसके पहले वो आत्मा जब भी योग लगाती थी उसके जहन में उस आत्मा के लिए निमित्त के लिए मन के अंदर कहीं ना कहीं घृणा का भाव था, कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव था। फिर हमने कहा कि इस भाव को लेकर आप बाप दादा के पास जाएंगे भी तो बाबा कहेगा कि बच्ची ये बदबू कहाँ से आ रही है? क्योंकि जब अगर मेरे मन में किसी के लिए भी घृणा भाव हो तो ये बदबू तो आएगी, और बाबा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को भी कैच कर लेता है। हम जा रहे हैं बाबा से शक्तियां लेने के लिए, लेकिन बाबा ये बदबू देखकर कहेगा कि कैसा बच्चा है, इतना गंदगी कहाँ से लेकर आया है? पहले गंदगी को साफ करो फिर मेरे पास आओ, या पहले कपड़े साफ करो। तो योग से प्राप्ति भी नहीं होगी। फिर इस नकारात्मक भाव से जब बाबा के पास बैठेंगे, किसी के लिए कोई नकारात्मक भाव लेकर बैठेंगे, कुछ भी छोटा मोटा क्यों ना हो, तो बाबा से वो शक्तियां भी नहीं मिलेंगी। बाबा कहेंगे जाओ पहले क्लियर होके आओ। तो फिर योग कैसे लगेगा, प्राप्ति कैसे होगी? तो जब आत्मा समझ गई तो उसका भाव परिवर्तन हो गया। अब निमित्त के लिए कंप्लेंट खत्म हो गई, अब निमित्त के लिए भाव स्नेह और प्रेम मन के अंदर उमड़ आया, अब भाव परिवर्तन हो गया, व्यस्त समर्थ में परिवर्तन हो गया। और वो आत्मा जब योग के लिए बैठती तो बहुत निश्चिंत और रिलैक्स होकर बाप दादा को धन्यवाद देते हुए, निमित्त आत्माओं को धन्यवाद देते हुए बाबा के साथ में योग लगाते, भाव परिवर्तन हो गया और आत्मा फुल स्पीड से अपने पुरुषार्थ की तरफ, अपनी गति की तरफ बढ़ गई। क्योंकि जब तक व्यस्त जीवन में है तब तक के गति हमारी बढ़ नहीं सकती। जैसे हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान होगा ना तो टायर नीचे दब जाते, स्पीड कम हो जाती है। इसी प्रकार से व्यर्थ का बोझ आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आत्मा की गति धीमी हो जाती है। तो वो आत्मा का व्यर्थ खत्म हो गया, उस आत्मा का भाव बदल गया निमित्त के लिए, और वो फिर समर्थ सोचने लगी और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने लगी। अब ये आत्मा आपके पास जब भी आएगी ना, अब निमित्त की बात को लेकर नहीं आएगी, अब वो निमित्त के लिए भी सही तरह से अन्य आत्माओं को भी बताने के लिए निमित्त बन जाएंगे। तो आपने भी उसको कन्वर्ट कर दिया शुभ भाव से मास्टर रूहानी सर्जन के रूप में, तो उसका व्यर्थ, उसका तो व्यर्थ खत्म ही कर दिया, लेकिन औरों के व्यर्थ को खत्म करने के लिए भी निमित्त बना दिया। तो सोचो कितना बड़ा पुण्य का कार्य आपने कर दिया। तो ये बाबा कहते हैं कि व्यर्थ को शुभ चिंतन के आधार से सुनो, शुभ भाव के आधार से सुनो। भाव और भावनाएं हमारी कभी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए मर्जीवा बने। तो ये मर्जीवा जन्म है हमारा, तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य वर्तमान समय में संसार के लिए हमें करना है, क्योंकि आने वाला तो बहुत है सर, अभी तो जस्ट शुरुआत है। एक दो आत्माएं हमें सुना रही होगी, लेकिन आने वाले समय में सुनाने वाले की लाइन लगी होगी। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं अन्य का परिवर्तन करने के पहले स्वयं को परिवर्तन करो, अपने भाव और भावनाओं को चेक करें कि किसी के लिए भी
किसी के लिए, कोई भी व्यर्थ का भाव अगर मेरे मन में है तो उसको चेक करो, चेंज करो, उसको शुभ भाव में कन्वर्ट करो। तो बाबा कहते हैं इसी को ही फिर महाबली कहा जाता है, ऐसी महाबली आत्मा है। और इसमें बाबा कहते हैं खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। तो ऐसे स्वयं भी स्वयं को भी जीवदान देना है और अन्य आत्माओं को भी जीवदान देना है। तो ऐसे आप सभी व्यर्थों को भी शुभ भाव और